नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो माइक टू सपोर्ट और मैं हूं नवदीप शुक्ला। और इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे किसी व्हाट्सएप फ्रेंड का प्रोफाइल पिक चेंज करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। लेकिन शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से वीडियो को नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ मिस ना होने पाएँ। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक व्हाट्सएप फ्रेंड का प्रोफाइल दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए, एक एन एग्जाम्पल नाम रखा है इसका मैंने यहाँ पर, और इन्होंने सेलिब्रिटी का फोटो लगाया हुआ है अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर, जिसको मैं चेंज करके कोई भी फनी फ़ोटो या फिर कोई भी फ़ोटो लगा सकता हूँ। इसको आपको ऊपर क्लिक करके इसे गैलरी में सेव करना है पहले, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस करना है। फिर उसके बाद आपको फाइल मैनेजर खोलना है, वहाँ से स्टोरेज में जाके आपको व्हाट्सएप वाला फोल्डर सर्च करना है। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप, जब सर्च करेंगे या फिर खोलेंगे तो यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन रहेगा। मीडिया को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप प्रोफाइल फ़ोटोज़ होगा, जब उसको खोलेंगे तो सेव्ड फ़ोटो यहाँ पर होगा, तो उसको आप रीनेम के लिए ओपन कीजिए पहले। फिर रीनेम करने के लिए आप इसमें इसका नाम जो है इसको कॉपी कर लीजिए, पूरा नाम जो कि क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाएगा इसका पूरा नाम। फिर इसको आप कुछ मत छेड़िए, ऐसे रहने दीजिए। फिर आप कैंसिल करके फिर आप उस फोटो पर जाइए जिसको आप इसकी जगह पर लगाना चाहते हैं फाइल मैनेजर में, उसको आप कॉपी कर लीजिए थोड़ी देर टैप करके कुछ इस तरह से। फिर से आपको व्हाट्सएप वाले फोल्डर में अब जाना होगा, तो हम सर्च करते हैं व्हाट्सएप फोल्डर, फिर आपको मीडिया फिर होगा, फिर इस फोटो जो पहले से हमने सेव किया उसको डिलीट कर देना है यहाँ पर, और उस फोटो को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो गया, अब इसको रिनेम करके पुराने वाले फोटो का नाम यहाँ पर पेस्ट कर देना है हमें, इसके पूरे नाम को मिटा कर। फिर यहाँ पर टैप करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पुराना वाला नाम जो क्लिप बोर्ड में सेव हुआ था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे ऑलरेडी चेंज हो चुका होगा फ़ोटो। देख सकते हैं व्हाट्सएप पर मैं एक फ़नी फ़ोटो मंकी की लगाया हूँ, वो यहाँ पर आ चुका है एन एग्जाम्पलर नेम पर। तो अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इस के पास सेंड कर दूँगा और बोलूँगा ब्रो यू आर सो फनी। वो खुद शौक रह जाएगा कि कैसे यह हुआ, क्योंकि उसको मालूम उनका नाम मैंने अपने कॉन्टेक्ट में एन एग्जाम्पलर सेव किया हुआ है। तो चूज़ करते हैं उसके फ़ोटो को और यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रो यू आर सो फनी। दोस्तों ये जो ट्रिक है वो हमारे फ़ोन में तो काम करती है और बाकी सारे फ़ोन में भी लगभग काम करती है, लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो अभी नए आए हैं जिसका जो है इंटरनल मेमोरी केवल रहता है और एक्सटर्नल लगाने का फीचर नहीं रहता, और उससे रिलेटेड जो फ़ोन रहते हैं उसमें ये ट्रिक नहीं काम करती। तो उसमें कैसे आप ऐसा कर सकते हैं उसको भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करने के साथ साथ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।